स्टॉक ज्यादा हो, अगर स्टॉक ज्यादा होगा तो खरीदना पड़ेगा ना। स्टॉक बढ़ रहा है मतलब पैसा देंगे तब तो स्टॉक आएगा, तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। तो इस बीच में कितना रुपया गया? 10,000। देखो आज नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है फंड फ्लो स्टेटमेंट। देखो फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या है ना, पहले ये एक ट्रेडिशनल अप्रोच है। ट्रेडिशनल अप्रोच का मतलब शुरू से हम लोग इसको फॉलो करते हैं। ये कैसा कंसेप्ट है, इसका कहना है ना, हम लोग बिजनेस में क्या क्या यूटिलाइज करते हैं, कैश करते हैं क्या, रिजर्व एंड फंड का करते हैं क्या, रिजर्व फंड का, रिजर्व वगैरह का, उसका पैसा पड़ा रहता है हम लोग यूटिलाइज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से इस फंड से दूसरे फंड में देखो अच्छा एक बात करना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये एक तरह का रिजर्व एंड सरप्लस है कि नहीं है? वो भी रिजर्व एंड सरप्लस है ना, उसी के तो पैसा को निकाल के हम लोग सिंकिंग फंड में डाल देते हैं या और दूसरा दूसरा रिजर्व में डाल देते हैं या डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व में डाल देते हैं। मतलब फंड फ्लो स्टेटमेंट का कहना है ना, ये हम लोग को चेक करने सिखाएगा पैसा और फंड का यूज कहाँ कहाँ हुआ है। ठीक है, मेरे पास लाइबिलिटीज कहाँ से अराइज हुआ और एसेट्स कहाँ से आया, मतलब ये क्या कहना चाहते हैं भैया, इसको तो हम लोग को बनाना पड़ेगा तब जाकर आस्ते आस्ते समझ में आएगा। सबसे पहले समझने के लिए कुछ चीज जानना पड़ेगा, इसमें हम लोग को सिखाया जाएगा सोर्सेस। दिखाई तुम लोगों को सोर्सेस, सोर्सेस का मतलब ना, दिखाई दिया सोर्सेस, सोर्सेस का मतलब इनफ्लो, मतलब पैसा कहाँ कहाँ से आया, दिखाई दिया। करना यहाँ पर आउटफ्लो के बारे में, मतलब पैसा कहाँ कहाँ जा रहा है, मीन्स अप्लीकेशन, अप्लीकेशन का मतलब वो आउटफ्लो, पैसा कहाँ गया। अगर मान लो किसी एसेट्स को परचेज किए तो पैसा वहां पर चला जाएगा। हाँ भैया, अच्छा मान लो इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं तो पैसा जाएगा कि पैसा आएगा? इक्विटी शेयर इशू करेंगे तो पैसा आएगा, मतलब वो सोर्सेस में जाना चाहिए कि एप्लीकेशन में, सोर्सेस में, समझ में। अच्छा लोन पेड किए, अप्लीकेशन, पैसा जा रहा है, तो ये चीजें भी सिखाएगा एकदम पूरा नीट एंड क्लीन, तब हम लोग को और भी कंसेप्ट क्लियर होगा। लेकिन ना फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए हम लोग को कुछ चीज जानना जरूरी है, जैसे कि हम लोग को वर्किंग कैपिटल जानना पड़ेगा। तुम लोग आता है वर्किंग कैपिटल निकालने, करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज, इसके माध्यम से पैसा आएगा कि जाएगा, हम तुम लोग को जब बनाएंगे ना तब तुम लोग को सिखा देंगे, प्रूफ करेंगे एक एक अकाउंट के बारे में। और हम लोग को निकालना पड़ेगा फंड फ्रॉम ऑपरेशन, ये कैसे निकलता है वो भी बताएंगे। एक काम करते हैं, देखो ये निकालना ना बहुत ही आसान है, वर्किंग कैपिटल उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा वो हम प्रूफ कर देंगे, कोई डाउट नहीं उसमें। लेकिन तुम लोग को फंड फ्रॉम ऑपरेशन के बारे में कुछ नहीं पता होगा, ठीक बात है ना? तो नीचे एक छोटा सा क्वेश्चन लिखे, तुम लोग उसको कॉपी कर सकता है क्या? कर लो तो कॉपी जल्दी से। देखते हैं कौन स्टूडेंट को भी बताएगा। चलो वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड एक टॉपिक के बारे में तुम मुझसे पूछे, एक छोटा सा टॉपिक के बारे में। ठीक है, मान लो दो डेट है, 1/1/2012, 1/31/12/2017। बताना लक्ष्मी, सन्डी डेटर्स, पहले था 1 लाख, कितना था पहले? 1 लाख, अब हो गया 80,000। बताओ तो पैसा आ रहा है कि पैसा जा रहा है? अरे हम पूछ रहे हैं, पहले था 1 लाख, अब हो गया 80, ये ओपनिंग डेटर या क्लोजिंग डेटर है, ये क्या इंडिकेट कर रहा, पैसा आया है कि पैसा चला गया? एक बात होता, डेटर से पाते थे कितना? 1 लाख, 80,000 कैसे हो गया, मतलब जरूर बीच में पैसा आया होगा, सही बात है ना? पैसा आया तब तो डेटर्स कम हुआ, मतलब ये इंडिकेट कर रहा था कि मेरे पास पैसा आया है, पैसा का इनफ्लो हुआ है, सोर्स बना है। ठीक है, चलो दूसरा ऑप्शन देते हैं, जैसे कि मान लो स्टॉक है, स्टॉक पहले स्टॉक था 50,000, अब हो गया 60,000। बताओ तो आशीष, पैसा आया कि पैसा गया? हाँ बताओ। अच्छा इसको लग रहा पैसा आया है, तुमको ले लो। अरे स्टॉक था आगे 50,000, स्टॉक ज्यादा हुआ, अरे चुप रहो, स्टॉक ज्यादा हुआ, अगर स्टॉक ज्यादा होगा तो खरीदना पड़ेगा ना। स्टॉक बढ़ रहा है मतलब पैसा देंगे तब तो स्टॉक आएगा, तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। तो इस बीच में कितना रुपया गया? 10,000। क्या कर रहे हो, इतना इजी सा टॉपिक है। अच्छा सपोज मान लो, नहीं
एक है सिंडिकेटर्स, नाम सुना है कभी कोई? केटर्स है ठीक है, तो है 80,000, अब हो गया 60,000। बताओ पवन, पैसा आ रहा है कि जा रहा है? हाँ बताओ आनंद, बोलो क्या नाम है तुम्हारा? विश्वजीत, क्या नाम है? विकास। अच्छा विकास, बताओ तो सिंडिकेटर्स में पैसा आ रहा है कि जा रहा है? जल्दी बैठो। बोले सिंडिकेटर्स में पैसा, देखो आगे था 80,000, तो अब हो गया केटर्स 60,000। पैसा आया कि गया सालनी? वेरी गुड। अरे एक बात बताओ, केटर्स का मतलब क्या होता है? केटर्स का मतलब भैया जिसको पैसा देना है। केटर देना कितना था? 80,000। लेकिन अब कितना देना है? क्यों कम कैसे किया? मतलब इस बीच में पैसा पेमेंट किए होंगे, पैसा दिए होंगे तब ना केटर्स घटा। मतलब पैसा आया कि गया, कितना गया? 20,000। तो ये सब चीज के बारे में एनालिसिस करना सिखाएंगे। किसमें? ये सब सिखाएंगे वर्किंग कैपिटल में। किसमें सिखाएंगे? वर्किंग कैपिटल। फिलहाल थोड़ा सा कंसेप्ट समझ में आया? ये क्लियर कर देंगे, थोड़ा सा वेट करो, इसके ऊपर बहुत सारा चीज हमको बताना है, समझाना है। नीचे एक सम दिए तुम लोगों को, बोले ना कंपोर्ट करना है क्या? फंड फ्रॉम ऑपरेशन। ये फंड फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है? ये हम दोनों को देखो ना, एक पीएल दिए, छोटा सा पीएल दिखाई दिया तुम लोगों को? दिखाई दे दिया तो ठीक है, देखो क्या निकाला गया था फंड फ्रॉम ऑपरेशन, समझा रहे हैं। कंपोटेशन फंड फ्रॉम ऑपरेशन, फ्रॉम डायरेक्ट मेथड, फ्रॉम डायरेक्ट मेथड। एक देखो इसमें दो मेथड है, एक है डायरेक्ट, दूसरा है इनडायरेक्ट। पहले डायरेक्ट मेथड से, डायरेक्ट मेथड का कहना है ना, फंड फ्रॉम ऑपरेशन में वही चीज आना चाहिए जो बिजनेस का कंटिन्यू एक्सपेंसेस है। कंटिन्यू का मतलब डे बाय डे एक्सपेंसेस होना चाहिए और वो कैश में होना चाहिए। फंड फ्रॉम ऑपरेशन का कहना है बिजनेस में वही खर्चा और वही इनकम आएगा जो डे बाय डे का इनकम होगा या तो डे बाय डे का एक्सपेंसेस होगा, और वो कैश में होना चाहिए। मतलब दो कंडीशन, एक तो कंटिन्यू होना चाहिए प्लस कैश में होना चाहिए, तभी वो चीज आएगा, नहीं तो हम लोग उस चीज को नहीं लेंगे। वो तो ये लोग जो सॉल्व किया था ये सही किया था कि गलत, देखते हैं क्या सिर्फ कंटिन्यू होता है बिजनेस में? हाँ यही तो काम है हम लोग का, मतलब इस इनकम को लेना चाहिए ना। ठीक है इस इनकम को लिखते हैं हम लोग। सेल्स कितना है? 100 लाख, ऊपर में लिख दिए थे रुपीस इन लाख। डिविडेंड रिसिप्ट, कहीं पर पैसा इन्वेस्टमेंट किए हैं वहां से इनकम आए, ये क्या बिजनेस का कंटिन्यूइंग इनकम है? क्या मेरा काम सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना है? नहीं भैया, डिविडेंड क्या होता है ना, कहीं पर जब पैसा ज्यादा हो जाता है बैंक में रखेगा, कहीं पर लगा देते तो 1 साल में या 6 महीना में कभी कोई पैसा मिल जाता, मतलब ये मेरा कंटिन्यूइंग काम नहीं है। सही बात है ना, कंटिन्यू काम नहीं है, मतलब ये बिजनेस का ऑपरेटिंग इनकम नहीं है। ठीक है रेंट रिसिप्ट, मेरा क्या काम घर भाड़ा पर देना है? नहीं, मतलब ये भी बिजनेस का कंटिन्यू इनकम नहीं। पो सोफा, पो सोफा मतलब प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। देखो एक एसेट्स ना ऐसे बेकार हो रहा था, पड़ा पड़ा, उस एसेट्स को बेच दिए तो मेरे को कितना का प्रॉफिट हुआ? 10 लाख का। ये जो प्रॉफिट हुआ मेरा क्या बिजनेस खाली एसेट्स को बेचना था? खरीदेंगे बेचेंगे यही काम था, नहीं ना? मतलब ये भी बिजनेस का कंटिन्यूइंग इनकम नहीं। अरे वो तो सडनली कोई एसेस लगा, अब नहीं यूज है तो बेच दिए, हो गया प्रॉफिट, ये तो सडनली इनकर्ड हुआ, कंटिन्यू तो नहीं था। मतलब ये सबको नहीं लेना है, इसलिए एक सब कंटिन्यू नहीं होने के कारण हम लोग इसको नहीं लेंगे। अब इधर आते, रॉ मटेरियल को परचेज करना बिजनेस का कंटिन्यूइंग खर्चा है? हाँ एकदम आना चाहिए। नेस एक्सपेंसेस क्या क्या आया? परचेज कितना है? 50। ठीक है अच्छा, बिजनेस रहेगा तो ऑफिस भी होगा, तो स्टाफ लोगों को सैलरी देना पड़ेगा। हाँ भैया सैलरी कितना है? 10। रेंट
भी तो देना पड़ता है ना। अरे ऑफिस है, फैक्ट्री है, जो देना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। रेंट कितना? अपोजिशन बोलेगा ना, भैया रेंट पेड था तो आप ले लिए, रेंट रिसीव था तो क्यों नहीं लिए? अरे रेंट रिसीव का मतलब क्या हुआ? क्या मेरा बिजनेस का ये? देखो बिजनेस चलाना है तो रेंट पे हो सकता है लेना पड़े, ऑफिस वगैरह, लेकिन किसी को घर भाड़ा पर देना ये तो मेरा काम नहीं था। तो आप कैसे समझे? ज्यादातर जो बिजनेस क्या होता है, सामान को खरीदना और बेचना, ये बिजनेस होता है। सही बात है ना? डिप्रिसिएशन आएगा सालनी? क्यों, ये तो बिजनेस का कंटिन्यू है ना, वो कैश में नहीं होता है। कैश में नहीं होने के कारण यहाँ पर नहीं आएगा, मजबूरी सिर्फ इसका कैश था। अच्छा लॉस होगा, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स में बेचना मेरा काम नहीं है, नहीं आना चाहिए। अब जो आया ना, मतलब कितना हो गया? 70। मतलब मेरा फंड फ्रॉम ऑपरेशन कितना होगा? 30। क्या तुम लोग का समझ में आ गया? कॉपी करो जल्दी से। ये था डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना, किंतु अरे एक काम करो ना, किसी के कॉपी में सॉल्व होगा उसी का कॉपी से फोटो ले लो। किंतु ना, हम लोगों का ज्यादातर काम आने वाला इनडायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड? इनडायरेक्ट। सबसे ज्यादा जो हम लोग को सॉल्व करना है, अगर एग्जाम में कुछ भी नहीं बोलेगा तो इनडायरेक्ट से ही सॉल्व करना पड़ेगा। अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया था तो इनडायरेक्ट मेथड से कैसे सॉल्व होगा वो दिखा रहे हैं। देखो ये जो स्टेटमेंट है ना, फंड फ्रॉम ऑपरेशन का इनडायरेक्ट मेथड में, इसका कहना है कि हम लोग का नेट प्रॉफिट कितना आया था। नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना आया? 40 लाख। बताओ तो क्या ये नेट प्रॉफिट फंड फ्रॉम ऑपरेशन के अनुसार सही है कि गलत है? फंड फ्रॉम ऑपरेशन के अनुसार ये 40 लाख सही है कि गलत है? गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो पीएल अकाउंट बना था ना, जो बिजनेस का कंटिन्यूइंग खर्चा नहीं भी था फिर भी उसको ले लिया, जो बिजनेस का कंटिन्यूइंग इनकम नहीं था वो भी ले लिया, जो कैश में नहीं था डिप्रिसिएशन उसको भी ले लिया। तो तुम लोग एक बात बताना, हमको आराम से समझाना। पहले हम इनकम को चेक करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इनकम में एक बात बताओ, क्या डिविडेंड रिसीव बिजनेस का कंटिन्यूइंग इनकम था? नहीं, ये था, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा रेंट रिसीव कंटिन्यूइंग इनकम था? नहीं, ये था पोसोफा? नहीं। लेकिन ये सबको जब दिखाया गया, ये सबको जब दिखाया जाएगा यहाँ पर, तो मेरा प्रॉफिट में कोई इफेक्ट पड़ेगा? हाँ, मेरा प्रॉफिट ज्यादा होगा कि कम? अरे जब इनकम दिखाओगे झूठा इनकम, तो स्वाभाविक है प्रॉफिट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये तो झूठा इनकम है ना, ये तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन के अनुसार ये इनकम नहीं है। तो मेरा प्रॉफिट ज्यादा हो गया, तब क्या करना चाहिए? इस प्रॉफिट को कम कर देना चाहिए ना। इतना समझ में आया? थोड़ा सा वेट करो, आराम से कॉपी करना। क्या ये जो खर्चा दिखाया जा रहा है ये कंटिन्यूइंग खर्चा है? हाँ ये है, हाँ ये भी है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बताओ ना, डिप्रिसिएशन क्या कैश में था? मानते हैं कंटिन्यूइंग है, लेकिन कैश में नहीं। कैश में नहीं होने के कारण और ये दिखा दिया कि देव इस खर्चा को दिखाया तो मेरा प्रॉफिट कम हो गया। तो बताओ प्रॉफिट कम होना तो सही नहीं है। इस खर्चा को नहीं दिखाता तो मेरा प्रॉफिट ज्यादा होता, तब क्या करें? मेरा प्रॉफिट अगर ऐड कर देंगे ना, एड क्या क्या डिप्रिसिएशन कितना? 10। फिर क्या लॉस ऑफा भी ऐड होगा ना? ये हम लोग आया फंड फ्रॉम ऑपरेशन कितना? 30 लाख। इसमें ना तुम डायरेक्ट मेथड फॉलो करो चाहे इनडायरेक्ट मेथड फॉलो करो, हम लोग का फंड फ्रॉम ऑपरेशन सेम होगा। और एग्जाम में यदि कोई भी मेथड मेंशन ना करे तो इनडायरेक्ट मेथड हम लोग फॉलो करेंगे। ठीक है, आराम से कॉपी करो। हाँ मेंशन करता है, लेकिन ज्यादातर अभी तक तो मतलब जब 5 मार्क्स का देगा ना तब मेंशन करता है, लेकिन जब 15 मार्क्स का सम आता है तो कुछ मेंशन नहीं करेगा।
तुम लोगों को एकदम इनडायरेक्ट मेथड फॉलो करना पड़ेगा।